हेलो गाइस, बात करने वाले गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो के बारे में। जैसा कि आप जानते होंगे, इस शो को तो लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया था। 2 साल तक ये शो लगातार ऑन एयर रहा और इस बीच जब शो की टीआरपी कम होने लगी थी, जो टीआरपी कम आ रही थी, तभी इस शो के अंदर लीप लाकर यहाँ पर गुड्डन की बेटी पर कहानी स्टार्ट करी गई, जहाँ निशान मलखानी शो से एग्जिट कर चुके थे, लेकिन गुड्डन ने ही अपनी बेटी की कैरेक्टर का प्ले, मतलब कनिका मान ने ही गुड्डन की बेटी का भी कैरेक्टर प्ले किया था। सो लोगों ने जोड़ी को बहुत ज़्यादा पसंद किया है, निशान मलखानी और कनिका मान की जोड़ी को। एक बार फिर से सीजन 2 को लेकर बातें सामने आ रही हैं। लोग देखना चाहते हैं गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो के सीजन 2 को। सो देखते हैं कि प्रॉपर सीजन 2 आपको कब देखने को मिलने वाला है। वैसे तो देखा जाए कनिका मान के न्यू प्रोजेक्ट को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, और ऐसे में ये उम्मीद करी जा रही है, फैंस लगातार डिमांड कर रहे हैं और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो उनका न्यू प्रोजेक्ट होने वाला है वो गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा शो का सीजन 2 हो सकता है। इसके काफ़ी चांसेस बन रहे हैं। सो देखने वाली बात ये होगी क्या सच में शो का सीजन 2 आता है, और अगर ये शो का सीजन 2 आता है तो वाकई में फैंस के लिए से बड़ी गुड न्यूज़ तो कोई नहीं हो सकती है। निशान मलखानी की बात करें तो इसके अलावा वो कई सारे और भी प्रोजेक्ट में नज़र आए। बिग बॉस में भी उन्होंने एंट्री करी थी, और इसके अलावा कल टीवी के न्यू शो में भी वो नज़र आए थे एज अ लीड। सो देखने वाली बात होगी इस शो के जरिए किस तरीके से दोनों वापसी करते हैं। अगर दोनों के पास इस प्रोजेक्ट का ऑफर जाता है तो क्या दोनों साइन करना चाहेंगे शो को, क्या नजर आना चाहेंगे इस अपने पुराने कैरेक्टर में। सो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या कुछ होता है। वैसे बात करी जाए अगर कनिका मान की, तो पिछली बार वो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही जब वो खतरों के खिलाड़ी में उन्होंने एंट्री करी पिछले सीजन में, तो वहाँ पर उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद किया गया, उनके बेबाक अंदाज को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। सो देखने वाली बात ये होगी कि किस तरीके से जोड़ी फिलहाल नज़र आती है, गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा सीजन 2 आखिर कब आएगा। सो ये सारे जो सवाल हैं उनके जवाब आपको बहुत जल्द मिल जाएंगे। फिलहाल तो कमेंट करके एक्साइटमेंट बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे हो तो लाइक शेयर करना ना भूलना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।